हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन छत्रपति संभाजीनगर। आपको भी औरंगाबाद या छत्रपति संभाजीनगर में इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ पे कौन कौन से कॉलेज जो है अच्छे हैं, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। ये गवर्नमेंट कॉलेज और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज अगर आपको औरंगाबाद में इंजीनियरिंग करनी है तो। उसके बाद दूसरा कॉलेज है मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में MIT भी कहते हैं। और इनके दो कॉलेज है, मतलब सेम नाम से MIT, बट थोड़ा सा चेंज है। मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक दूसरा है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों कॉलेज अच्छे हैं, अगर आपको दोनों में से किसी में भी एडमिशन मिलता है तो आप ले लीजिए। और इसमें से एक जो कॉलेज है वो ऑटोनॉमस है, मुझे पता नहीं कौन सा है, बट एक कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस है। तो दोनों में आपको जो है अच्छी फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब कैंपस जो है साथ ही में लगे हुए, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद जो आता है देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज जो है, ये देवगिरी कॉलेज है, ये भी अच्छा है अगर आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है तो। टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज है देवगिरी औरंगाबाद में। उसके बाद जो है श्रीयश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी कॉलेज अच्छा है अगर आपको जो है कम परसेंटेज है थोड़े, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, इसे जो आप ऑप्शन फॉर्म में डाल सकते हो। उसके बाद जो है MGM's जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, JNEC जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत टॉप का कॉलेज है। जो MGM है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी MGM, तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और इनकी जो फी है लगभग 1,60,000 है। तो आपको अगर इतना बजट है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है JNEC में।